गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर आज हमारा टॉपिक चलेगा लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। पहले हमने बात की है सीएफटी क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हमने ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। टॉपिक चलेगा हमारा लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। सीएफटी की क्या क्या कमियां होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी, ठीक है। ये हमारा मेजर टॉपिक आज का। देखो, लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी, इसके बारे में यदि हम देखें तो सामान्यतः जो सीएफटी होती है वो जो सीएफटी है इसके बारे में देखें तो सीएफटी केवल डी ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। जो डी ऑर्बिटल्स होती है उसके अंदर किस प्रकार से स्प्लिटिंग पाई जाती है, कैसे जो ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर लॉप्स होती है, किस प्रकार से जब उनके अंदर उपस्थित जो ऑर्बिटल्स होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस प्रकार से उनके अंदर दो भागों के अंदर वो स्प्लिट होते हैं, तो ये सीएफटी केवल डी ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। ये नहीं बताती कि पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल क्या होते हैं, अर्थात इन पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल जो भी होते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है, ठीक है। ये केवल डी ऑर्बिटल के बारे में ही बताती है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं इसके लिमिटेशन के अंदर कि सीएफटी केवल धातु आयन के डी कक्षकों के बारे में ही बताती है। सीएफटी केवल धातु आयन के डी कक्षकों, धातु आयन के डी कक्षकों के बारे में ही बताती है। अर्थात यह पी ऑर्बिटल्स धातु आयन के अंतःकक्षक, यह धातु आयन के अंतःकक्षक पी एक्स पी वाई व पी जेड कक्षकों के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। ठीक है, जो पी एक्स पी वाई और पी जेड कक्षक होते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं सी एफ टी अवशोषण बैंडों की तीव्रता पर सी टी एस को नहीं समझा सके। सी एफ टी अवशोषण बैंड की तीव्रता पर CTS को चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को
नहीं समझा सके। सीटीएस को नहीं समझा सकी, अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो ये जो सीटीएस होती है अर्थात सीएफटी के अनुसार धातु आयन व लिगेंड के मध्य बना बंध आयनिक होता है और इसके अंदर कुछ लक्षण सहसंयोजक बंध के लक्षण भी पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात इसके अनुसार या फिर सीएफटी के अनुसार अनुसार धातु आयन एवं लिगेंड के मध्य बने बंध आयनिक होते हैं होते हैं तथा इसमें कुछ लक्षण तथा इसमें कुछ सहसंयोजक बंध के लक्षण भी पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंध के लक्षण भी पाए जाते हैं, ठीक। तो वीएसीएफटी के अनुसार धातु आयन और लिगेंड के मध्य बने बंध आयनिक होते हैं और इसमें कुछ सहसंयोजक बंध के लक्षण भी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल IRCl6-2, ठीक है, या फिर नॉट डाल के एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। नॉट IRCl6-2, जो ये जो संकुल यौगिक होता है, संकुल की इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद स्पेक्ट्रम के अध्ययन से ज्ञात हुआ IRCl6-2 संकुल के इलेक्ट्रॉन चक्र अनुनाद स्पेक्ट्रम ESR के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इसके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य बना बंध70% आयनिक तथा 30% सहसंयोजक होता है। 70% क्या होता है, आयनिक होता है, और 30%
सहसंयोजक होता है। इस संकुल यौगिक की जानकारी निम्न प्रकार ESR स्पेक्ट्रा से होती है। इस संकुल यौगिक की जानकारी निम्न प्रकार ESR स्पेक्ट्रम से होती है। अर्थात इसका जब स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है इसका वो निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे हम बात करें इसके अंदर ठीक है, ये इसका एब्जॉर्प्शन पाया जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन और मैग्नेटिक फील्ड, और इसका जो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है या फिर ESR प्राप्त होता है वो इस प्रकार से ESR प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसके बारे में हमारे को इस प्रकार से इसका ESR प्राप्त होता है। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन ये तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो इसका जो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है IRCl6-2 जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका ESR ये प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ हम ये कह सकते हैं ESR ऑफ IRCl6-2 कंपाउंड। ठीक है, ESR इस प्रकार से हमारे को प्राप्त होता है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने इसके अंदर इसका स्पेक्ट्रा की बात की है। ठीक है, तो इसके अंदर देखा है कि इसके बारे में क्या है कि CFT नहीं बताती है, ये केवल इसके बारे में ESR बताता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस होता है वो बताता है इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में चर्चा की है कि जो लिमिटेशंस होती है CFT की वो कौन कौन सी पाई जाती है, किस प्रकार से इसकी लिमिटेशंस होती है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अर्थात लिमिटेशंस ऑफ CFT ये टॉपिक हमारा इसके अंदर देखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे हम CFT और VBT के अंदर क्या क्या अंतर पाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।